दादा स्वतंत्रता सेनानी, नाना सेना में शहीद, पिता ईमानदारी की मिसाल रहे। हम बात कर रहे हैं यूपी के माफिया नेता मुख्तार अंसारी की। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर तरुणा एस गौड़। लीड इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी के माफिया बाहुबलियों की उल्टी गिनती चल रही है। शनिवार को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बाहुबली नेता रहे और विधायक रहे मुख्तार अंसारी को एक मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई। एक मामला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि और भी कई मामले हैं जिन पर सुनवाई अभी चल रही है। कोर्ट ने अंसारी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एक समय था जब यूपी में बाहुबली विधायक और सांसदों की तूती बोलती थी। इन बाहुबलियों के खिलाफ सैकड़ों मामले दर्ज हुए जिन पर कोर्ट में सुनवाई लगातार होती रही है। इन्हीं में से एक नाम है मुख्तार अंसारी का भी। ये एक ऐसा नाम है जिनके दादा स्वतंत्रता सेनानी और नाना सेना में शहीद थे, पिता ईमानदारी की मिसाल रहे। लेकिन मुख्तार अंसारी एक माफिया नेता बना जिसने खुद 2017 में चुनावी पर्चा भरते वक्त अपने ऊपर चल रहे मुकदमों की फहरिस्त दी थी। इनमें हत्या, हत्या की साजिश, आपराधिक षड्यंत्र रचने, हथियार बंद ढंग से दंगे भड़काने, धोखाधड़ी, संपत्ति हड़पने जैसे 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये तो उन्होंने अपने पर्चे में बताया था। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या भी काफी सनसनीखेज तरीके से की गई थी। कृष्णानंद राय की हत्या ठीक उसी तरह की गई थी जैसे साल 2005 में अतीक के गुंडों ने बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या की थी। नवंबर 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या की गई। ये सब वजूद की लड़ाई थी। कृष्णानंद राय की गाड़ी को उस जगह घेरा गया जहां से उन्हें बचने का कोई ऑप्शन नहीं था। 7 से 8 गुंडे एसयूवी से उतरे और उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर करीबन 500 राउंड फायरिंग की गई। इसमें अकेले कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकली थी। इस हत्याकांड में कृष्णानंद राय के साथ 6 और लोगों की मौत हुई थी। इस हत्या का मकसद केवल हत्या करना नहीं था, मुख्तार अंसारी के खौफ को कायम करना था। विडंबना देखिए कि हत्या के आरोप के बावजूद 2012 में मुख्तार अंसारी ने मऊ विधानसभा का चुनाव जीता जो कि उन्होंने जेल में रहते हुए लड़ा। कृष्णानंद राय की हत्या भी बड़े ही फिल्मी अंदाज में हुई थी। ठीक वैसे ही अतीक के गुंडों ने बसपा विधायक राजू पाल की हत्या की थी। फिलहाल मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी पर 1996 में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े नंद किशोर रूंगटा के अपहरण, 2005 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या मामले में गैंगस्टर एक्ट लगा था। अब इस मामले में फैसला आया है। वैसे इसके पहले भी इसी साल 2 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जा चुकी है और एक मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। इनमें से एक मामले में जेलर साहब को ही धमकाने का आरोप था। मुख्तार अंसारी ने जेलर को गाली देते हुए पिस्तौल दिखाकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। मुख्तार अंसारी के राजनीति में अपराध का ये सफर 1996 में बसपा पार्टी के टिकट पर शुरू हुआ था। वैसे इसके पहले इनकी गाजीपुर में एक मोहम्मदाबाद विधानसभा है उसमें इनका 1985 से पूरी तरह होल्ड रहा, लेकिन जब बीजेपी के नेता कृष्णानंद राय ने इस सीट को उनसे छीन लिया तो यहीं से वर्चस्व की ये कहानी शुरू हुई। 1985 से ही इस सीट पर अंसारी परिवार का कब्जा कायम था। मुख्तार अंसारी ने भी लगातार 2002, 2007, 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। हैरानी की बात है कि 2 चुनाव तो उन्होंने जेल में बंद रहते ही जीते थे। अगर आप मुख्तार अंसारी की बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इनके दादा गांधी जी के साथ जेल में बंद रहे। नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 में सर्वोच्च बलिदान देने के लिए महावीर चक्र मिला था। पिता सुभानुल्लाह की ईमानदार राजनीति की मिसाल सामने होने के बावजूद भी मुख्तार अंसारी अपराध का बेताज बादशाह कैसे बना? शायद हार को वो बर्दाश्त नहीं कर सका। बीजेपी के कृष्णानंद राय ने जब मोहम्मदाबाद सीट पर सेंध लगाई उसके बाद इन्होंने इनकी हत्या की साजिश रची। कृष्णानंद राय की हत्या भी राजू पाल की हत्या जैसे ही हुई थी। गाजीपुर प्रयागराज से 200 किलोमीटर की दूरी पर है और यहीं की मोहम्मदाबाद सीट पर कृष्णानंद राय ने 2002 में मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को विधानसभा चुनाव में हरा दिया था। कहानी देखिए, जैसे अतीक के भाई अशरफ को जब चुनाव में बसपा विधायक राजू पाल ने हराया तब अतीक इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, ठीक ऐसे ही मुख्तार अंसारी के केस में भी था। ये उत्तर प्रदेश की सूरत हाल था।
यूपी में बाहुबली नेताओं को टिकट दिया जा रहा था, किसी पार्टी को भी नैतिकता की नहीं पड़ी थी। इसी तरह बसपा में भी इनके सारे आपराधिक रिकॉर्ड को देखने के बावजूद भी मुख्तार अंसारी को शामिल किया गया और टिकट दिया गया। अपराध और राजनीति के रिश्ते को जोड़ने में बसपा ने तो और भी कमाल कर दिया। मुख्तार अंसारी की एक पार्टी थी कौमी एकता, बसपा ने उसका अपने में विलय कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद बसपा सुप्रीमो ने कहा कि इन पर आपराधिक केस है, इसके चलते उन्होंने मुख्तार अंसारी को पार्टी से ही निकाल दिया। लेकिन कुछ समय बाद फिर से वापस उन्हें अपनी पार्टी में ले लिया। तो इस तरह मुख्तार अंसारी की निजी पार्टी का विलय भी बसपा में हो गया और उसके बाद वो इसी में शामिल रहे। मुख्तार अंसारी का सिक्का चलता रहा। मुख्तार अंसारी के अपराधी बनने के पीछे मुख्तार के बड़े भाई कहते हैं, जनता उन्हें प्यार करती है, हिंदू या मुसलमान इसमें कोई फर्क नहीं है। उस्मानाबाद में केवल 8% मुसलमान है, इसके बावजूद भी मुख्तार अंसारी लगातार इस सीट से जीतते रहे। मुख्तार अंसारी के लिए जनता का प्यार था या फिर खौफ, ये तो बाद में ही पता चलता है। फिलहाल अपराध की एक उम्र होती है और अपराधी को किए की कीमत चुकानी पड़ती है। यूपी के बाहुबलियों की भी उल्टी गिनती चालू है। अब मुख्तार अंसारी को सजा मिली है, अब देखते हैं और कौन कौन से बाहुबली नेता नापे जाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।